दोस्तों, अगर ये नहीं रहता ना कि यार आपको कुछ ऐसा टाइटल डालना है जिससे क्लिक्स वगैरह आए, तो मैं आज के वीडियो का टाइटल डालता दी गोटेड वीडियो। क्योंकि इस गोटेड वीडियो में भाई अपन बात करने वाले हैं दोनों गोट के बारे में, मैसी एंड रोनाल्डो। उधर रोनाल्डो ने कमाल किया है अल नसर के गेम में, और इधर मैसी ने कमाल ही कमाल कर दिया भाई साहब न्यूयॉर्क रेड बुल्स के खिलाफ। दोनों गजब के भाई साहब गेम्स के बारे में बात करने वाले। वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर गोट एम्बाप्पे भाई साहब, और ऐसा कुछ खबर निकल कर के आए जिससे कहानी और साबित हो रही है कि उसका मूव मैड्रिड में होने वाला है। साथ ही साथ एथलेटिको मैड्रिड से रिलेटेड भी एक ट्रांसफर की खबर लेकर के आया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक का वीडियो मतलब लाइक का बटन दबा दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो लाल वाला, एक ऐसा इफेक्ट भी उठेगा, बाकी आपके जीवन में भी इफेक्ट आ जाएगा। फुटबॉल फैन हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी कड़कती भड़कती फुटबॉल की वीडियोस करके आता है, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी। फुटबॉल की खबर एक चीज के साथ, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब एथलेटिको डी मैड्रिड में आपका कहानी क्या चल रही है। सो मैंने शायद आपको एक आध दो वीडियो पहले बताया था कि ओब्लैक को जो है वो एथलेटिको मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट ने प्लेस कर दी है, जिसके चलते बहुत सारे इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब्स का नज़र है ओब्लैक को अपना गोलकीपर बनाने के लिए। अभी उस खबर के ऊपर और कुछ अपडेट नहीं आया कि कौन कौन से क्लब्स इंटरेस्टेड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऑब्वियसली ओब्लैक जैसे गोलकीपर को हर एक क्लब अपना भाई गोलकीपर बनाना चाहेगी ही चाहेगी। मैंने आपको उस वीडियो में रीज़न ये बताया था कि क्यों यहाँ एथलेटिको मैड्रिड ये कर रही है। आज उससे भी एक अपडेट और आ गया है कि उन्होंने सेम भाई साहब प्रोसेस फॉलो किया है फॉर मेम्फिस डिपाय एज वेल। मेम्फिस डिपाय को भी जो है वो उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में प्लेस कर दिया है, बिकॉज दे नो लॉन्गर नीड दी सर्विसेज ऑफ मेम्फिस डिपाय। उनको लग रहा है कि मेम्फिस डिपाय कैश काउ है, इसको भैया मार्केट में बेचेंगे हमको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब अभी भी जो है वो भाई इंग्लिश क्लब्स इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कोई फ्रांस की क्लब इंटरेस्टेड है क्या, इसके ऊपर कोई खबर नहीं आया कि कौन सी क्लब जो है वो डिपाय को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, बट या उसको भी ट्रांसफर मार्केट में डाल दिया गया है। अब आप लोग सोचोगे दोस्तों कि इतने प्राइम प्लेयर्स को क्यों एथलेटिको मैड्रिड डाल रही है, ओब्लैक भी हो गया, अब डिपाय का भी खबर आ रहा है। तो सिंपल से रीजन है, एथलेटिको मैड्रिड भी अपने FFP के जो है वो डिमांड्स को मीट करना चाह रही है, जिसके चलते वो इस ट्रांसफर मार्केट में एक सेलिंग स्प्री में रहेंगे, जिसमें आपको और शायद प्लेयर्स अपडेटेड होते हुए नजर आए इस पोटेंशियल लिस्ट में। तो मेम्फिस डिपाय एंड जान ओब्लैक भाई साहब इस लिस्ट में एडिशंस हो गए हैं। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है एक खुशखबरी फॉर रियल मैड्रिड फैंस। वैसे ही आप लोगों के लिए कल तो खुशखबरी थी ही कि आपने भैया ला लीगा का ट्रॉफी उठा लिया 36 अपना, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैड्रिड फैंस फॉर दैट। बट आज एक और खुशखबरी आई है, और वो है एम्बाप्पे के डील से रिलेटेड एक और तगड़ी खबर। दोस्तों एम्बाप्पे वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस इन मैड्रिड, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज यू नो आइंग अ पोटेंशियल ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड विच इज ऑलमोस्ट कन्फर्म। तो वहां पर रहने के लिए घर तो चाहिए ना भाई, और अगर एम्बाप्पे जैसा एक स्टार खिलाड़ी आता तो उसको घर भी एक स्टार खिलाड़ी वाला ही चाहिए। नाउ मैड्रिड में बीइंग द कैपिटल ऑफ स्पेन एज सच आलीशान मकाने उतने ज्यादा नहीं है जो एम्बाप्पे जैसे टेस्ट को जो है वो फुलफिल कर पाए, लेकिन एक आलीशान मकान रामोस का वहां है। अब दोस्तों आपको मतलब आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड वो वीडियोस रामोस के ड्यूरिंग कोविड टाइम्स और नॉट, जिसमें रामोस ऐसे अपने घर में पीछे बैग लेकर के ऐसे सीढ़ी वगैरह चढ़ रहा है, एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहा है, ऐसे स्क्वाट क्या वो रॉड लेकर के एक्सरसाइज कर रहा था, लंजेस मार रहा था, मैंने तो देखा है। एंड दोस्तों हिज हाउस इज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा सा मैंशन है सर्जियो रामोस का, जो भाई साहब ऑब्वियसली एक स्टार मैंशन ही है। एज पर द रिपोर्ट्स विच इज कमिंग आउट ऑफ सम रिलायबल रिपोर्टर्स एज वेल, और कुछ इक्का दुक्का अनरिलायबल रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, बट समझ में ऐसा आ रहा है कि किलियन एम्बाप्पे एंड रामोस हैव पोटेंशियली अग्रीड ऑन द सेल ऑफ द विला जो सर्जियो रामोस ओन करते थे। तो यानी कि रामोस ने अपने विला को जो है वो एम्बाप्पे को बेचने के लिए एक अग्रीमेंट ले लिया है, और उस विला का जो है वो कॉस्ट होने वाला है 18 मिलियन यूरोस, 18 मिलियन का जो है वो भाई साहब मकान एज पर द रिपोर्ट रामोस बेच रहे हैं किलियन एम्बाप्पे को। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही वो घर खरीद लेगा ना, तो तुम समझ जाना कि ये डील फाइनलाइज हो गई है बिटवीन एम्बाप्पे एंड रियल मैड्रिड। बिकॉज दोस्तों अगर कोई भी मतलब बंदा उस र्यूमर्ड क्लब के सिटी में जा कर के मकान खरीद लेता है, मतलब वो डील डन हो चुकी है। वी हैव सीन सेवरल इंस्टेंसेस ऐसे होते हुए, वी हैव सीन
कौन सा तो एक प्लेयर था मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने वाला था, उसका भी ऐसे ही हुआ था। स्पर्स में भी जो है वो एक खिलाड़ी आया था, उसका भी ऐसे ही हुआ था। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, पुरानी बातें हैं ये सब। और हैरी केन का भी ऐसी था, बायन के होटल में उसने पहले रहा, फिर वो घर खोज रहा था बहुत ज़्यादा, और फिर उसका ट्रांसफ़र का जो है वो खबर आ गया था। तो जब ऐसा कहानी होता है ना, तो आप समझिए कि डील इज़ रियली वेरी क्लोज। ऑल दो I would not say कि you have to like एकदम 110% believe on this खबर कि एम्बापे ने रामोस का घर खरीदा, बट या रिपोर्ट्स तो आई हैं कुछ रिलायबल और कुछ अनरिलायबल सोर्सेज से भी। बट या एम्बापे भैया घर खोज रहा है रियल मैड्रिड में, मतलब मैड्रिड में सॉरी, ये चीज़ 100% ट्रू है। अब वो घर रामोस का ही है कि नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो बादल मंडरा रहे हैं, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट या रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट डील हो चुकी है 18 million की। नाउ लेट्स मूव टू द गेम्स विच द गोट्स प्लेड। भाई साहब गोटेड वीक था, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। उन गेम्स को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा प्रीमियर लीग के कुछ गेम्स बता दूं। तो आज गेम्स हुआ था, आज एक गेम हुआ था चेल्सी वर्सेस भाई साहब वेस्ट हैम, जिसमें चेल्सी 5-0 जो है वो जीती उस गेम को। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी। धीरे धीरे पोचेटिनो अपना रंग जमा रहा है। पोचेटिनो बहुत हरामी मैनेजर है, पूरा सीजन आपका सड़वा देगा, एट द एंड ऑफ द सीजन वो कुछ गेम्स जिता करके ऐसा लगता है कि अरे वाह ही इज गुड, ही कैन बी गुड फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल, और फिर अगले सीजन के शुरुआत के 5-6 गेम्स जीतता है, फिर हगवा देता है बीच में, फिर आखिरी के 2-4 गेम जीता। तो पोचेटिनो इज नॉट अ मैनेजर फॉर चेल्सी, ये मैं शुरू में आई एम अ सर्टिफाइड पोचेटिनो हेटर, बात अलग है। अगला गेम लिवरपूल वर्सेस स्पर्स भी देखने को मिला। तो लिवरपूल वर्सेस स्पर्स में स्पर्स के लिए वंस अगेन अ डिफीट अपन को देखने को मिली। एनजी के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई एनजी इज द राइट मैन फॉर स्पर्स और नॉट, क्योंकि रिसेंटली वो 2 गेम हरवाया था, बट ही इज लुकिंग फाइन टू मी। मेरे ख्याल से एनजी इज द परफेक्ट गाय फॉर स्पर्स, टाइम लगेगा उसको भैया प्रोजेक्ट बिल्ड करने में, टेंशन मत लो स्पर्स जैसी टीम के लिए। और उसने पोचेटिनो टाइप बिलियंस स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो एनजी ठीक काम कर रहे हैं स्पर्स के साथ। बट या लिवरपूल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री यहाँ पे मिली, एंड प्रीमियर लीग रेस से तो दे आर प्रैक्टिकली आउट, बट या इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर लिवरपूल, 4-2 की विक्ट्री। बट असली गेम्स तो अपन को भैया सऊदी अरेबिया और अमेरिका में देखने को मिला। सऊदी अरेबिया के गेम के बारे में बात कर लिया जाए पहले, तो भैया रोनाल्डो का टीम अल नसर वर्सेस अल वहदा देखने को मिला, जिसमें भाई साहब गजब का रोनाल्डो का परफॉर्मेंस देखने को मिला, और रोनाल्डो वहाँ पे एक हैट्रिक मारते हुए नजर आए। वहाँ पे अपन को 6-0 की जो है वो भाई साहब आप कह सकते हैं विक्ट्री देखने को मिली अल नसर की, जिसमें सबसे पहला गोल तो भैया रोनाल्डो ही ने मारा, गोलकीपर की तरफ से बहुत ही घटिया सा मिस्टेक, जिसको रोनाल्डो फुल भाई साहब फ्लेजेडली भाई कैपिटलाइज करते हैं। ब्यूटीफुल फिनिश शॉट यहाँ पे रोनाल्डो ने मारा गोलकीपर के सामने से, जो भाई साहब गोल होता है। फिर रोनाल्डो ने तुरंत जो है वो एक हेडर भी मार दिया, जिससे रोनाल्डो ने अपने 2 गोल्स कंप्लीट कर लिए। फिर एक चिप गोल देखने को मिला ओटावियो का, 3 गोल जो है वो अल नसर मार दी। चौथा गोल साने की तरफ से देखने को मिला, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट था, और साने वापस से फॉर्म में आ गया, लेकिन साला सीजन के अंत में आया है तो सर शुरुआत में आ जाता तो शायद अल नसर अल हिलाल के साथ ट्रॉफी के लिए कंपीट कर रही होती। चौथा गोल जो है वो भाई साहब सॉरी 5वां गोल अपन को वापस से रोनाल्डो की तरफ से देखने को मिला, जिसमें रोनाल्डो ने गजब का अपना टाइम केयर रन को परफेक्टली ऑफसाइड ना होते हुए और अच्छा गोल मार करके अपना हैट्रिक कंप्लीट किया, और आखिरी में एक फाटिल की तरफ से भी गोल देखने को मिला। तो विद दिस हैट्रिक रोनाल्डो नाउ कंप्लीटेड हिज 66th हैट्रिक अपने पूरे करियर में। यहां साला लोगों का करियर गोल होता है 66 और रोनाल्डो भैया हैट्रिक केवल 66 मारे हैं। मोर ओवर अब वो टॉप गोल स्कोरर बन गए हैं सऊदी लीग में, जो वो पहले भी थे, बट नाउ ही हैज भाई साहब स्कोर्ड 32 गोल्स इन दिस सीजन फॉर सऊदी, भाई साहब आप कह सकते हैं लीग में। अब केवल 3 गोल और दूर हैं, जो रिकॉर्ड है सऊदी लीग में टॉप गोल्स का वो 35 है। अगर रोनाल्डो 36 गोल्स मार देते हैं तो फिर वो भाई साहब टॉप स्कोरर सऊदी लीग के हिस्ट्री के जो है वो बन जाएंगे, जो एक इनक्रेडिबल जो है वो भाई साहब अचीवमेंट रहेगा रोनाल्डो के लिए। साथ ही साथ अपने हैट्रिक को कंप्लीट करते हुए रोनाल्डो हैज़ भाई साहब कंप्लीटेड 40+ गोल्स एंड असिस्ट इस सीजन में इन SPL, एंड साथ ही साथ दोस्तों 60 गोल्स भी जो है उन्होंने अपने अल नसर के साथ कंप्लीट कर दिए। तो एक इनक्रेडिबल रोनाल्डो का गेम अपन को देखने को मिला। पिछले 7 गेम्स में इनका 3रा हैट्रिक था, विच स्पीक्स वॉल्यूम कि रोनाल्डो किस लेवल पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम द गोट हिमसेल्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर गोट, जो भाई साहब कमाल का परफॉर्मेंस भी डाल के दिखा रहे हैं इंटर मियामी में। दोस्तों अगर हम लियो मेसी के बारे में बात करें, जब से वो इंजरी से लौटे हैं इंटर मियामी में, इफ़ यू ट्यून इन फॉर द गेम्स ऑफ इंटर मियामी, आप एक चीज
चीज बिल्कुल नोटिस करेंगे कि भाई इंटर मियामी हर गेम में पहले गोल खाती है और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी आ जाती है लियो मेसी और सुआरेस के ऊपर कि यार अब अपन को ये गेम निकाल करके ही लेकर के आना है। एंड वो दोनों ये काम करने में प्रॉपर तरीके से सक्षम है। दोस्तों ये जो गेम था इंटर मियामी का, इसमें भी लगभग वैसे ही कुछ हुआ। स्कोर लाइन 6-2 अपन को देखने को मिली न्यूयॉर्क रेड बुल्स की तरफ से। इस गेम में पहला गोल इंटर मियामी खाती है 40वें मिनट में, जिसमें डांटे ने गोल मारा। अच्छा गोल था डांटे के तरफ से, लेकिन उसके बाद भाई साहब मेसी के ऊपर वापस से वो जिम्मेदारी आई थी कि भैया कुछ करना पड़ेगा। और हर गेम में मेसी करा है, एक भी गेम अभी तक इंटर मियामी में जो भी लियो मेसी ने खेला ऐसा नहीं हुआ है कि मेसी ने गोल या असिस्ट नहीं दिया, लेकिन ये गेम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया मेसी के लिए। मेसी भाई साहब गोल इंटर मियामी खाई 48 मिनट पे, मेसी ने ठीक 50th मिनट में एक गजब का गोल मारा जिसमें लुइस सुआरेस का जो है वो असिस्ट था। मोर ओवर उसके बाद फिर रोजास की तरफ से अपन को एक गोल देखने को मिला, विच भाई साहब मेसी जो है वो असिस्ट डाले, वो भी बीच ऑफ द पिच से। इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल असिस्ट फ्रॉम लियो मेसी एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल फिनिश फ्रॉम रोजास एज वेल। साथ ही साथ फिर अपन को एक 69th मिनट में सुआरेस की तरफ से गोल देखने को मिला, विच वाज अ वॉली जिसमें मेसी ने गजब वेटेड पास दिया था भाई, ब्यूटीफुल पास फ्रॉम लियो मेसी टू लुइस सुआरेस। फिर लुइस सुआरेस ने एक गोल मारा मेसी के साथ टिकी टाका करके भाई, जो मेरे को पुराने दिनों की याद दिला दिया। फिर लुइस सुआरेस ने एक और गोल मारकर अपना हैट्रिक कंप्लीट किया, जिसमें लुइस सुआरेस की फिनिश वाज जस्ट भाई साहब फिनोमिनल, बट वंस अगेन इट वॉज एन असिस्ट फ्रॉम लियो मेसी हिमसेल्फ। बाकी फिर एक पेनाल्टी इंटर मियामी में खाया और ये गेम 6-2 एंड हुआ। इस गेम में भाई साहब लियो मेसी ने 5 असिस्ट और एक गोल दिया है। 5 असिस्ट एक गेम में भाई साहब पहली बार जो है ऐसा हुआ कि इंटर मतलब MLS में कोई गेम में 5 असिस्ट निकले हैं, सबसे ज्यादा असिस्ट इन अ सिंगल गेम। अब होल्ड कर रहे रिकॉर्ड लियो मेसी आफ्टर दिस इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। साथ ही साथ भाई साहब लियो मेसी इकलौते इंसान बन गए जिन्होंने 5 गोल्स और 5 असिस्ट एक ही गेम में मारा है। मतलब 5 गोल्स तो उन्होंने पहले भी मारे थे, उन्होंने जो है वो 5 गोल्स लेवरक्यूसन के खिलाफ मारा था 2012 में, फिर 5 गोल्स इन लोग जो है वो भाई एस्टोनिया के खिलाफ मारे थे 2022 में, फिर अब देखो ये 5 असिस्ट भी मार दिए अगेंस्ट न्यूयॉर्क रेड बुल्स। तो यहां पे लियो मेसी इज द ओनली गाय टू डू दिस की 5 गोल्स और 5 असिस्ट इन अ सिंगल गेम। भाई इसके साथ ही साथ लियो मेसी जो है वो अब इंटर मियामी के साथ MLS के टॉप गोल स्कोरर बन गए हैं विद भाई साहब 9 गोल्स पूरे सीजन में। साथ ही साथ ये जो है वो भाई साहब 7 असिस्ट दे करके टॉप असिस्ट प्रोवाइडर ही बन गए हैं MLS में, और तो और कंप्लीट करे हैं 23 गोल्स एंड असिस्ट इस जो है वो भाई साहब सीजन में विथ ओनली 11 गेम्स प्लेड। 11 गेम्स खेल करके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 गोल्स और 11 असिस्ट ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल सा रिकॉर्ड है, विच इज आप कह सकते हैं मतलब आप कह ही नहीं सकते हैं कुछ, मतलब ये कुछ ऐसा सा रिकॉर्ड है। मैं आपको परफेक्ट ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गलत हो गया हूँ, लेकिन उसका परफेक्ट रिकॉर्ड है 11 मैचेस खेल करके 12 गोल और 11 असिस्ट, मैंने शायद ठीक ही बताया था। तो ये लियो मेसी का जो है वो रिकॉर्ड रहा विद इंटर मियामी दिस सीजन। सो लियो मेसी भी अलग फॉर्म में चल रहे हैं, रोनाल्डो भी अलग फॉर्म में चल रहे हैं, एंड हमारे लुइस सुआरेस भी बोलते हैं कि मैं भी किसी से कम हूँ क्या, लुइस सुआरेस भी अलग फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की गोटेड वीडियो, जिसमें हमने 3 गोटों के बारे में बात किया, 3 गोटों के बारे में सॉरी दोस्तों 3 गोट्स के बारे में बात किया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शेष के चैनल पर बैठ कर प्लीज जय हिंद वंदे मातरम। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।